राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। सबसे पहले आप सभी को अष्टमी नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी हम सबकी मनोकामनाएं ऐसे ही पूरी करती रहें। तो चलिए, आज मैं बना रही हूँ माता के लिए भोग, जिसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें बनाऊंगी कन्या पूजन के लिए। तो सबसे पहले मैंने उठ के पूरे घर की सफाई करी, नहाई धोई, पूजा पाठ करने के उपरांत मैंने ये आलू उबाले। आलू अच्छे से उबल गए हैं, तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया माता का भोग, जिसे आप पूजा पाठ के अलावा कभी भी बनाकर खाएंगे तो हर कोई आपकी तारीफ करेगा, गारंटिड। अब पूजा पाठ का खाना बन रहा है तो बिना लहसुन प्याज के ही बनेगा, तो इसके लिए कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर फॉलो करनी होगी ताकि हमारा जो खाना है वो स्वादिष्ट बने। तो सबसे पहले मैंने लिए है 6 से 7 टमाटर। चूंकि मैं 2 से 3 तरीके की वेराइटीज़ बना रही हूँ, तो मैंने एक साथ ही टमाटर पीस लिए हैं, साथ में हरी मिर्च अदरक भी मैंने पीस लिया है। और आज मैं शुद्ध एकदम नई बोतल खोली है मैंने, ये सब मैंने पहले ही मंगवा लिया था, क्योंकि पूजा पाठ में एकदम नई चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। तो जब भी मैं इस तरीके की बोतल खोलती हूँ ना, अक्सर मेरे साथ ये हादसा हो जाता है, ऊपर से ढक्कन टूट जाता है। कभी आप लोगों के साथ ऐसा होता है कमेंट करके जरूर बताना। तो ये प्योर लकड़ी घानी ब्रांड से मैं तेल लेती हूँ और भोज मसालों से मैं मसाले खरीदती हूँ, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के इनके मसाले होते हैं। तो सबसे पहले एक मसाला बनाएंगे, जिसके लिए 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, काला नमक, आमचूर पाउडर, कसूरी मेथी, रेगुलर नमक, गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा पानी डालकर हम इसे घोल लेंगे। तो इसे घोल के हम थोड़ी देर साइड में रखेंगे ताकि मसाले अच्छे से फूल जाए। तो उससे क्या होगा, हमारा जो चना मसाला बनेगा उसको बेस मिलेगा। तो सरसों का तेल गरम करके इसमें हींग और जीरा डालकर 5 मिनट जब ये मसाला रेस्ट कर ले तब इसे तेल में डाले और अच्छे से करें इसकी भुनाई मध्यम आंच पर 2 मिनट के लिए। यूजुअली हम चनों को उबालते हैं पहले, इस रेसिपी में ऐसा नहीं करना है, आप डायरेक्टली बना सकते हैं। तो जब ये मसाला तेल छोड़ दे, अच्छे से भुन जाए, दानेदार हो जाए, तब आप इसमें डालें पिसे हुए टमाटर। तो 3 टमाटर लगा के चलिए आप, मध्यम साइज के जो हमने डाले हैं, और बस अब इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। तब तक मैं सब्जी बना रही हूँ। कुकर में तेल डाला है मैंने, उसके बाद मैंने इसमें डाला है खड़ा धनिया कूटकर, थोड़ी सौंफ, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट डाला है, सूखी लाल मिर्ची और बढ़िया फ्लेवर का हींग डाल के, रूटीन के मसाले हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर, थोड़ा मेथी दाना, थोड़ा आमचूर पाउडर, काला नमक, रेगुलर नमक इसमें जाएगा, गरम मसाला 1/2 चम्मच, कसूरी मेथी जाएगी और अच्छे से इसकी करेंगे भुनाई। तो एक साथ 2 सब्जी बना रही हूँ मैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी पकने के लिए साइड में छोड़ देंगे, तब तक आप चना मसाला का मसाला देखते हैं। तो ये देखिए अच्छे से तेल फ्लोट हो गया है इसके ऊपर। तो ये चना मसाला ना सरसों के तेल में बड़ा स्वादिष्ट बनता है, बट हाँ आप चाहे तो शुद्ध घी में भी बना सकते हैं। अब ये कल रात में मैंने चने भिगो दिए थे, इनको डायरेक्टली हम पानी के साथ इसमें मिला देंगे और अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम पर हम इसमें 6 से 7 सीटी दे देंगे। तो जब तक हमारा चना मसाला तैयार होगा तब तक हम अपनी सब्जी और हलवे की तैयारी करेंगे। तो चूंकि मैं अकेली हूँ घर में करने वाली, तो एक साथ 3 और रेसिपीज मुझे बनानी है, तो 3 गैस मेरी फिलहाल बिजी हो जाएंगी। और बस 5 से 7 मिनट के बाद धीमी आंच पर ये मसाला एकदम अच्छे से भुन चुका है, बहुत शानदार तरीके इसकी भुनाई हो चुकी है, एकदम दानेदार मसाला बना है ये। इसमें आप मेथी दाना डालना बिल्कुल ना भूलें और खड़ा धनिया कूट कर डालिएगा और सौंफ भी आपको कूट कर डालना है। बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनेगी ये। मैंने कोई खड़ा मसाला इसमें नहीं डाला है, साबुत मसाले, क्योंकि कन्याओं के लिए मैं भोजन बना रही हूँ, कई बार बच्चों को तीखा लगेगा, इसलिए मैंने मसाले इसमें थोड़े से बैलेंस रखे हैं। आप चाहे तो इसमें खड़ा जो काली मिर्च होती है वो, लौंग और तेज पत्ता वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने इस मसाले में उबले हुए आलू डालकर अच्छे से भुनाई करी 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। फिर मैंने इसमें डाला है पानी। अब चूंकि मेरे इन दोनों कुकर का ढक्कन एक ही है, ले आज मैं इसे खुले में ही पकाऊंगी, लाइक दूसरा ढक्कन लगाकर पकाऊंगी, लेकिन हाँ आप चाहे तो इसको ढक्कन लगाकर 2 सीटी आप दे दें। जरूरत के हिसाब से पानी डाला मैंने और इसे पकने के लिए छोड़ दिया। अब बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो कढ़ाई में हमने शुद्ध घी डाला, इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे, पिघला लेंगे, फिर इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो काजू बादाम मैं साबुत ही डाल रही हूँ, बाद में इनको तोड़कर इस्तेमाल करूंगी। तो एकदम लाल जब काजू बादाम हो जाए तब आप इन्हें बाहर निकालें, फिर थोड़ा सा इस तरीके से घिसा हुआ, मतलब जो स्लाइस में नारियल है वो ले लेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है जो हमारा हलवा होता है इसमें गोला, बहुत अच्छा लगता है। तो बस गोला भी भूनकर बाहर निकाला, हमारे यहाँ यूपी में गोला कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। अब मैंने पूरा 1 कप भर के इसमें डाली है सूजी, और सूजी की मैं करूँगी धीमी आंच पर भुनाई,
तो कोई बेसन वगैरह हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ना ही आटा डालेंगे। सिर्फ आज हम ये हलवा सूजी से बनाएंगे। जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो आप बोलोगे कि नेहा इतना शानदार हलवा बना है कि क्या कहना, बिल्कुल ऐसा जैसे भंडारों में बनता है। अब ले लिया है मैं पानी, मैंने पानी 3 कप पानी लिया है मैंने, जितनी सूजी थी उसका 3 गुना पानी लिया है। उसमें थोड़ा केसर और थोड़ी किशमिश डालकर मैं इसे उबाल लूँगी। चीनी वगैरह मैंने नहीं डाला है। और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स भून चुके थे उनको काट लेंगे, तो रफली तोड़ लें या तो मामदस्ते में डालकर। और जब मैं सूजी की भुनाई कर रही थी तब मुझे महसूस हुआ कि इसमें एक गोले का पीस पड़ा हुआ है, तो वो बहुत काला हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाला। और सूजी का रंग धीमी आंच पर धीरे धीरे लाल हो रहा है, इसी स्टेज तक इसे भूनते रहना है जब तक खुशबू अच्छी ना आए और इसका रंग बिल्कुल ना बदल जाए। तो बस यहाँ पर सूजी मेरे मन मुताबिक है, मुझे ऐसा ही रंग चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे इसे नहीं पकाना है। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून खरबूजे के बीज और 1 टेबलस्पून चिरौंजी डाल दी है। जैसे खरबूजे के बीज डालेंगे चट-चट की आवाज़ आएगी, आप जल भी सकते हैं, यहाँ पर हार्म हो सकते हैं, इसलिए बेटर है कि आप इसे कवर कर दें। तो बस ढक्कन लगाएंगे ना, 30 सेकंड में ये आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। और इस तरीके से क्या होगा, आपका खरबूजे का बीज भी भुन जाएगा, चिरौंजी भी हल्की सी भुन जाएगी। अंत में डालें आप ये दोनों चीज़ें। उसके बाद ये जो पानी था हमारा जो हमने गर्म करके रखा था वो इसमें मिला देंगे और लगातार चलाएंगे। अभी देखिए सूजी का रंग कैसा लग रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि नेहा हलवे में मज़ा नहीं आया है ना, लेकिन आगे देखिएगा कितना मज़ेदार और कितना शानदार रंग इसका आएगा। ढक्कन लगाकर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाया इसे, तो थोड़ा सा पानी भी इसका सूख जाएगा और थोड़ा सा हलवा गाढ़ा हो जाएगा। देखो हो गया ना गाढ़ा। अब इसमें मैंने डाला है 1.25 कप चीनी। जितनी सूजी ली थी ना मैंने उसका 1.25 कप डाला है। मेरे घर में और मैंने जिनको भी प्रसाद खिलाया सभी को एकदम परफेक्ट मीठा लगा, पर अगर आपको कम लग रहा है तो आप 1.5 कप तक यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, नहीं तो ओवर स्वीट हो जाएगा आपका हलवा। 1.5 कप से ज़्यादा कतई ना डालें, ये मैं आपको बोल रही हूँ। तो बस चीनी डालते देखिए रंग कितना बढ़िया आ गया हलवे का। और बस रंग आ गया, ढक्कन लगाकर मैंने इसे 5 मिनट धीमी आंच पर पकाया। उसके बाद मैंने इसमें सारे नट्स डाल दिए काट पीट के जो भी मुझे डालना था, और हलवे को मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी। इस तरीके से जब आप हलवा बनाएंगे और चीनी डालेंगे इस तरीके से, तो हलवे का रंग टेस्ट टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो बस यहाँ पर हमारा हलवा तैयार है। थोड़ा इलायची पाउडर डालें इसमें और इसे सर्व करिएगा। माता का भोग लगाएं आप इससे, कन्याओं को खिलाएं, एकदम रसीला हलवा आपका बना रहेगा गारंटीड। बहुत ही शानदार रेसिपी है। घी डालने में कंजूसी ना करें, 1 कप में 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी तो जाएगा ही जाएगा। 3/4 कप के करीब मैंने घी डाला था। अब ये चने देखिए 6 सीटी के बाद एकदम बढ़िया है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें पानी है तो इसका पानी सुखा ले फुल फ्लेम पर, लेकिन चने जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो पानी नहीं रहेगा इसमें, 6 से 7 सीटी लगाइएगा। अगर थोड़ा बहुत पानी है तो रहने दे, बाद में ना इसमें एडजस्ट हो जाता है, पानी सूख जाता है, मसाले अब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा पानी की मात्रा लग रही है तो सुखा लीजिएगा फुल फ्लेम पर। ऊपर से इसमें हरा धनिया डालें और ये आपके मसालेदार चने तैयार हैं। 8 से 9 मिनट मैंने सब्जी को पकाया लो टू मीडियम हीट पर और सब्जी भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। अंत में इसमें कुछ ना डाले, गरम मसाला हमने शुरुआत में ही डाला था, कन्याओं के लिए भोजन बन रहा है तो ज़्यादा तीखा मैंने नहीं बनाया है। और हमारी ये सब्जी भी बनकर तैयार है। कितनी शानदार बनी है ये, बिना लहसुन प्याज की वही वाली सब्जी जो भंडारों में अक्सर मिलती है, हमारी बनकर तैयार है। अंत में हरा धनिया डालिए और बस अब यहाँ फटाफट बना लेते हैं पूरियाँ। मन तो मेरा कद्दू की सब्जी बनाने का भी था, मैं कद्दू लेकर भी आई थी, पर चूंकि मैं अकेले थी काफ़ी लेट हो गई थी काम करते करते, और 9 दिन से व्रत भी थे मेरे, तो थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड लग रहा था मुझे अभी, तो हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2 सब्जी तो हो ही गई, चना मसाला हो गया, आलू की सब्जी हो गई, तो माता रानी बस यहीं पर हमारी मनोकामना जो है पूरी कर दें, जो भी हमारी भूल चूक है माफ़ कर दें, जैसा भी है इसे स्वीकार करें। तो बस हमारा भोजन बनकर तैयार है, कैसा लगा आपको कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो पूरे सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की थाली बनकर तैयार है। 8 से 9 दिन से मैं भी व्रत कर रही हूँ और मेरी माता रानी की पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मैंने भोजन बनाकर तैयार किया है, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि माता रानी को ये पसंद आएगा। आपको कैसा लगा आप लोग भी ज़रूर बताना, और इस प्रोसेस से ये सारी चीज़ें बनाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो पसंद आए, कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारी माता के भोग की थाली बनकर तैयार है, चलो माता को भोग लगा लेते हैं। कन्या तो मेरे यहाँ आती नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ खाना बना के ना जो मेरे जान पहचान के लोग हैं उनके यहाँ भिजवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ कन्या मिलती ही नहीं है जहाँ मैं रहती हूँ, तो चलो माता को भोग लगा के आते हैं और उसके बाद
प्रसाद वितरण करेंगे। तो सारा काम खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इतनी गर्मी है यहाँ पर, इतनी गर्मी है मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये देखिए स्वेटिंग कितनी हो रही है, सब कुछ खत्म हो चुका है बिना किसी मदद के, किसी की हेल्प नहीं ली मैंने बिल्कुल भी, ना बच्चों की ना किसी की भी नहीं, सारे काम ऑन द टाइम कर लिए। थोड़ा सा थकान लग जाती है कई बार, बट हो जाते हैं। और आप सोच सकते हैं कि 9 दिन से व्रत है मेरे, 9 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया, ये शक्ति कहाँ से आ रही है? घर के काम के अलावा ऑर्डर्स भी बना रही हूँ, कोलैबोरेशन भी कर रही हूँ, बाहर भी जा रही हूँ, सारे काम कर रही हूँ, पर माता रानी का इतना आशीर्वाद है कि सारे काम ऑन द टाइम हो जाते हैं। तो यहीं तक था आज का वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आया, कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो आपके घर में नवरात्रों में किस तरीके से पूजा करते हैं आप, मेन प्रसाद में क्या बनाते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये पानी मैं पी रही हूँ अभी और थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, उसके बाद मिलते हैं आपसे बाद में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन। माता रानी इसी तरह से हम सभी की मनोकामनाएं पूरी करे और हर साल हम इसी तरह खुशियों से नवरात्रे मनाते रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।